अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद कबीर और आप देख रहे हैं सऊदी इन्फो। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने क्विक पे की बेनिफिशियरी कैसे ऐड करनी है। आपको क्विक पे की ब्रांच पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कंप्यूटर पे बैठ के अपने मोबाइल पे आप न्यू बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने अपना अकाउंट रजिस्टर्ड अगर नहीं किया हुआ क्विक पे का अहली का, तो अपना अकाउंट ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर लें। उसके लिए मेरी पहले से वीडियो मौजूद है कि ऑनलाइन अकाउंट रजिस्टर्ड कैसे करते हैं। अगर आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है अकाउंट, तो फिर आप यहाँ पे अपनी यूज़र आईडी देंगे। यूज़र आईडी पासवर्ड देने के बाद तो जी यहाँ पर मैं अपने अकाउंट पर लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद सिंपल मैंने यहाँ पे जाना है क्विक पे पे। क्विक पे को जो ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मज़ीद ऑप्शन रहेगा, क्विक पे ट्रांसफ़र, क्विक पे बेनिफिशरीज और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। तो मैं यहाँ पे क्विक पे बेनिफिशरीज पे जाऊँगा, यहाँ पे जा क्लिक करूँगा। तो उसके बाद एक मेरे पास एक नया बॉक्स खुल जाएगा, यहाँ पर आके आपने ऐड बेनिफिशरी करना है, न्यू बेनिफिशरी। अगर आपने डिलीट करनी है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई करनी है, किसी किस्म की चेंजिंग करनी है बेनिफिशरी में चेंज भी कर सकते हैं। तो अब हमें ऐड करनी है बेनिफिशरी, तो यहाँ पे ऐड पे जाके हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक पेज खुल जाएगा, इसमें सबसे पहले आपने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। मैंने पाकिस्तान यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डिलीवरी टाइप। डिलीवरी टाइप आप अकाउंट में भेजना चाहते हैं, किसी बैंक अकाउंट में भेजना चाहते हैं, या फिर आपने बाय नेम भेजने हैं, मनी ग्राम पिकअप भेजने हैं। तो बाय नेम भेजने के लिए आप यहाँ पे क्विक पे पिकअप सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपने कोई अकाउंट आपके पास है किसी के अकाउंट में भेजने हैं तो डिपॉजिट टू बैंक अकाउंट भेजेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे आपने बैंक सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं बैंक सिलेक्ट करूँगा। ये मेरा बैंक है, इस बैंक में अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच सिलेक्ट करनी है, तो मैं यह ब्रांच का नाम लिखूँगा तो ब्रांच का नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो गया, और उसके साथ कोड भी ब्रांच का शो हो गया। ये पूरी डिटेल उसने यहाँ पे शो करवा दी है। उसके बाद आप यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं अकाउंट नंबर दे रहा हूँ। अकाउंट नंबर देने के बाद यहाँ पे आई बैन पाकिस्तान का, यहाँ पे आई बैन नंबर देना है। यहाँ पर आई बैन नंबर देने के बाद यहाँ पे मैंने सिटी सेलेक्ट की है, यहाँ पे सिटी लिखना है आपका मेन सिटी जो भी है। उसके बाद करेंसी मैंने पीकेआर यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, स्टेट। उसके बाद इंग्लिश फर्स्ट नेम, जिसका अकाउंट है उसका नाम यहाँ पे देना है, इंग्लिश लास्ट नेम यहाँ पे दे देना है। तो यहाँ पे पोस्टल कोड दे दिया मैंने, वे फोन नंबर यहाँ पे, प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे आप दे सकते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ आप डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे दे दें। डेट ऑफ बर्थ आपके पास है नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्यूपेशन वगैरह देने की कुछ कुछ ज़रूरत नहीं है। ईमेल आईडी अगर यहाँ पे आप दे दें, ईमेल आईडी देने के बाद मैंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है जो जो रिक्वायर्ड था। यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ है, ऑक्यूपेशन है, शोबा है क्या है वो भी दे दिया, नेशनलिटी यहाँ पे दे दी, ईमेल। उसके बाद बेनिफिशियरी एड्रेस है, बेनिफिशियरी एड्रेस टू है, और रिलेशनशिप विद रेमिटेंस है, ये बेनिफिशियरी एड्रेस है, टेम्परेरी है, बस आपने शॉर्ट सा कोई भी यहाँ पे एड्रेस दे देना है। एड्रेस देने के बाद आप यहाँ पे एंड पे जाएँ और इसको ओके कर दें। अभी सारी डिटेल मुझे इसने शो करवा दी है कि जो जो मैंने दिया है यहाँ पे, उसके अलावा मैंने कंफर्म करना है इसको। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर मेरा शो हो रहा है, इस पे इस मोबाइल नंबर पे मुझे एक कोड आ गया है, जो ये कोड मेरे मोबाइल पे आया तो मैंने यहाँ पे कोड देके इसको कंफर्म कर दिया, और मेरे बेनिफिशरी है यहाँ पे ऐड हो चुकी है।